Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Amy Sharma's Nano's vlog. Welcome back with Amrut. And मैं बनी हूँ आज पिंक लेडी. ऊपर तो नीचे तक ये पिंक है बस. पिंक लिप्स, चप्पल भी पिंक ही होनी बाकी. और मेरे ये पिंक कर लेते हैं. नहीं 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 काफी है. ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है. So it's a Barbie theme now today. So you will get a Barbie treatment. आज मैं ऐसे ही बात करूंगी. So you will get a Barbie treatment today. Are you going to give me a Barbie treatment? Whatever you want, baby. You can order anything and I'll try to do that. Oh my God. Let's see. So guys, आज का थीम ये है. जैसे आप लोगों ने बोला कि चैलेंजेस करो, ये करो, पुराने वीडियोस की तरह करो. So let's have a fun game today. Okay, like. I'm a Barbie. Okay. He's my क्या होता है वो? Hi K. Hey. He's my K. So I'll order anything and he'll do. तो जो जो मैं बोलूँगी वो इनको करना पड़ेगा. पड़ेगा. Okay, done. Okay. So my first thing is. I guess you need water first. Huh? I guess you need water first. I need water first. Yeah, of course. And I need. Don't do that hand movement. That doesn't look good. No, don't do, please. No. Barbie fail हो गई. It's okay. थप थप्पड़ मारूंगा बार्बी को. बार्बी की बैटरी डाउन हो गई. I want these first. Then for that you have to like this and I will like this. And एक और चीज बताओ, यहाँ ये करने से ना यहाँ खड्डा जो आता है ना वो दिख नहीं रहा. दिखाइए. ये वाला नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ऐसे नहीं नहीं बोला दिखा तो सही. ट्राई ट्राई. So guys, let's start something new. Nanu says new, so new says Nanu. New Nanu, Nanu के बाद तो new ही आता है ना. ना के बाद new आता है, तभी तो Nanu बना. वो का sense of hammer निकाला ये Barbie ने. अरे Barbie आ गया. Barbie Indian Barbie बन गई. Sorry. Oh so sorry. Oh Barbie, yeah. अब छप्परी Barbie है भाई. Barbie का बाल तो बड़े नहीं है. कौन से कलर लगा तुमने हैं? Forget. बैठो. ओके तो आज का और रूटीन करना है ये कि तुम मुझे खेई मुझे अपने हाथों से पानी पिलाएगा. As you want. ऐसे? देख पूरा गीला हो जाएगा. That's a choice. ऐसे it will be like this. तुम मुझे बॉटल से पानी पिलाओगे? गाइस बॉटल से पीना इज बेटर. बार्बी को मुंह इतना सा बॉटल का होता है. नो 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 लेट मी ब्रिंग अ ग्लास देन. बार्बी डोंट लाइक दिस. हाउ इट्स टू हॉट. गाइस और बताओ क्या चल रहा है जीवन में. लेट मी सिट. बार्बी बैठ चुकी है. बार्बी का ओशो भी है. ओशो इधर आ. कैसे ठेड़ी आंखों से देख रहा है ऑस्कर. ऑस्कर कितना गंदा बच्चा है. ऑशो कितने गंदे बच्चे हो आप. ऑशो इज अ बैड बॉय. गाइस मैं लेट हो गई. आज 8 बज रहे हैं. यहाँ पे ना इतनी बारिश हो रही है तो इतनी तेज बारिश हुई. फिर मेरे नॉर्मली 100 रुपये बनता है. धीरे धीरे खिलाना. बस बार्बी के पेट में इतना घुस गया पानी. हाँ बार्बी सेज नो. बार्बी सेज नो. नो फॉर व्हाट. नो फॉर वाटर. ट्राई दिस इट वेरी डैम मस्त. मैं बार्बी ने तो पूछा ही नहीं है. दांत है बार्बी के. दांत कमजोर है गाइस. द सेंसिटिव दांत ऑफ बार्बी. यार ये कच्चा अमरूद खाती है. कल दे दी मेरे को ऑफिस में. मैंने काटा. बार्बी बार्बी गाइस कल इसने मेरे को अमरूद दे दिए. मैंने वहां काटा. किसको? अमरूद को. ओके. और वो इतना हार्ड था और मेरे बार्बी के दांत तो थे नहीं वैसे भी. जो भी वो दिए थे वो छिल गए सारे. कल बार्बी ऐसे आई थी. मैं होटल भी चले गए थे. तो कर जाता है ना बाबू. एक अमरूद खा के बार्बी के होठ तक चले गए. जब दांत और मसूड़े सब चले गए तो ऐसा मुंह हो गया ना. फिर सुबह ऐसा हो जाता है.
तो गाइस बारबी का गेम खत्म करते हैं। बारबी को बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है और आई एम नॉट इन मूड इतना लंबा बारबी गेम खेलने के लिए। केक तो कुछ काम नहीं, मैं बीच बीच में बार ये टास्क दे दूंगी इसको। ओके बाय। हमारे घर में हमने फाइनली चूहा पकड़ लिया है और यहाँ पे देखो हमारा ऑस्कर क्या कर रहा है। इसको अब वो एक जगह पे बैठ गया ना, उसको दिख नहीं रहा वहां से कहां है वो। यहाँ ना चूहा है इसके अंदर, ठीक है। और ये ढोल, इसने नानू ने इसको ब्रेड भी दे दिया है। तो ऑस्कर जब भी यहाँ आ रहा है तो ऐसे लेफ्ट राइट हो रहा है चूहा। तो जैसे चूहा ऑस्कर को देख के इधर छुप जाता है तो ऑस्कर को लग रहा है कि वहां से कूद के बाहर चला गया। और जो तो गिरा मत दिया, पता है चूहा भाग जाए वो छेड़ेगा तो गिरने के पूरे चांसेस हैं। वो एक्चुअली देख कॉर्नर में घुस गया ना, तो उसको लग रहा है कि वो भी छुप गया, पर उसको दिख रहा है कि वो चला गया। हाँ, इसको लग रहा है बाहर चला गया। दोनों आपस में खेल रहा है बेचारा, वो तो डरा हुआ है चूहा। देखो दिख भी नहीं रखा है। हाँ पता है, एवीएस में हरमिन देखा, बस पूंछ दिख रही है चूहे की। तभी तो अशोक को लग रहा है मेरे से भाग गया। वही कैसे ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है इसे, वैसे कैसे ढूंढ रहा है। बिल्कुल भोंद हुआ, बिल्कुल भोंद हुआ अशोक। ए डोला क्या अशोड़ी, कौन है? नहीं भाग नहीं करना, डर जाएगा वो। ओके गाइस, तो फाइनली आज चूहा पकड़ में आ गया हमारे। अब इसको हम बाहर दूर छोड़ के आएंगे। तो एक्चुअली पकड़ में नहीं आता था ना, हम कहते थे कि रेड पैड ले ले या फिर हम मतलब उसको पर मन नहीं था वो सब करने का कि वो चिपक जाए, फिर उसे भूख के आए, क्योंकि फिर वो चिपका रह जाता, वो मर जाता है, या फिर दवाई डाले तो वो भी मर जाता, तो वो वाला सीन करने का बिल्कुल मन नहीं था। इसलिए हम केज मंगाई थी और केज में फाइनली चूहा आज आ गया है। तो अब इसको शाम को फेंक के आएंगे। अब हमारा टाइम हो रहा है था डिनर प्रिपेयर करने का। तो नाम यहाँ पर सब्जी करते हुए चॉप करते हुए चॉपर है, क्योंकि और यहाँ बना है मेरा सैलड। सी हाउ मच डिफरेंट वी आर, वन इज हेल्दी वन इज नॉन हेल्दी, वन इज सैलड वन इज पिज्जा, वन इज नो चीज, अनदर पर्सन इज एक्स्ट्रा चीज। बट पॉइंट ही है ना, लोगों का क्वेश्चन होता है ये चीज जाता का है। अब पता नहीं कहाँ जा रहा है भाई, देखो सब खिला रही हूँ मैं तो कुछ नहीं कहा। अभी देखो ये लाइन बोलने के बाद ना कोई मेरे को ये नहीं बोलना कि चेकअप करा लो कुछ निकल जाएगा। चेकअप भी हो चुका है, कुछ नहीं निकला, ठीक है? ठीक है, हाँ मान गए। चलो चलो लेट्स लगे डू पेट पूजा नाउ। ओहो मैंने बना ली, गाइस थक गए बताया, बहुत थक गाती हूँ मैं तो, पता नहीं कैसे बुढ़ापा आ रहा लग रहा है। तेल इंडी, तेल इंडी गाइस, देखा हमने आपको बोला था कि ये जो कोजी कोजी क्विल्ट है, तो किसी ने पहले तो पूछा कि क्विल्ट क्या बोलते हैं इसको, इस चादर को क्या बोलते हैं, चादर को, दिस इज नॉट, तो ये गाइस ये बेडशीट नहीं है, ये क्विल्ट है, इसका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे तो आप देख लेना। और इस कोजी कोजी क्विल्ट में बारिश मुंबई में जो धमाकेदार हुई है ना अभी भाई, लिटरली थंडर हो रहा था, लाइटनिंग हो रही थी और इतनी तेज बारिश थी। अभी इसे ब्लॉग के लिए फैन ऑफ किया है क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आती, लेकिन इतना ठंडा मौसम हो रखा है। तो ये जो क्विल्ट हमने ये जो क्विल्ट हमने मंगाया है, देखो कैसे लात मार रहा है, कैसे लात मार रहा है पता नहीं, दिख रहा है कि नहीं, बट हम अभी ना बच्चा, तो हम तीनों इस कोजी कोजी क्विल्ट में मस्त इसका यूज करके मां लेटे पड़े हैं भाई। इट्स अ फैमिली टाइम, हा हा हा। ये भाई मैं देख रही हूँ। तुम चाहो देख, गर्मी लग गई, ये बेटा को गर्मी लग गई, चूहा चूहा हम पकड़ के लाए, उसको तो नॉन फ्रेंड चला लिया, हो गया कोई बात नहीं, उसको छोड़ आते हैं और इसको देखो मेरे बेट और पंखा चल गया बेटा। देखिए वेल भी मेरा कुत्ता सर है मेरा बच्चा, ये देखो नींद से सो के उठी हुई शक्ल, हाय हाय माँ लल्ला माँ पिल्ला छोड़ा माँ लल्ला, देखियो गाइस देखियो बच्ची माँ लल्ले मैं छोटा गाइस, पेन चल रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो गाइस, ऐसे करके ले लेंगे, मैं बच्चा मैं छोटू बच्चा गाइस, मैं दिखा के नहीं दिखा नहीं पता,
बट मैंने फोन हिला दिया। और अभी हमने सोचा था हम बाहर जाके चूहे महाराज को बाहर छोड़ के आएंगे, बट बारिश इतनी तेज हो गई वापस से। अब वो बेचारा अभी तक 5-6 बार खीरा खा चुका है, थोड़ी सी रोटी खा चुका है, वो तो भी ठीक है यार। बेचारा कब से अंदर है उसमें, बारिश ही इतनी हो रही है यार, कब से सोच रहे कि छोड़ेंगे। बात ये है ना कि इसको बाहर नहीं छोड़ सकते, घूम फिर के अंदर आ जाएगा, और बहुत मुश्किल से हुआ, और वो वापस से पिंजरे में नहीं आएगा, वो इतनी गारंटी है। अरे ये तो पूरी बंद हो गई यहाँ थोड़ी है। हम तो लात मारेंगे, हम तो लात मारेंगे। गाइस क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोलो इनकी सानिया दोनों मुंह किया जाए। जा माता दी रुक, अब निकलेगा आज का दिन के। शर्मा जी की तरफ से 50 रुपए का इनाम आते हुए ईवी शर्मा जी को। क्या बात है, क्या बात है, क्या गाये है, क्या नाचती है, क्या गाती है, क्या गाती है, डांसिंग नाचती है, आप डुब्बू से कब मिलोगे, डुब्बू आपके घर कब आएगी, ये तो गाइस हमें पता नहीं है। अभी आजकल इस दुनिया में सब बहुत बिजी है, ये दुनिया बिजीयों का मेला हो सकता है, हो सकता है जल्दी आपको कुछ चीजों में दिखे। हो सकता है बहुत जल्द, बहुत ज्यादा जल्द, मतलब वो ये हो सकता है कि पता नहीं हम कि अगर वो फ्री रही तो डेफिनेटली बहुत जल्द दिखेगी, मतलब बहुत जल्द दिखेगी। अगर वो फ्री नहीं हुई तो बहुत जल्द, जो हम बोल रहे हैं उस बहुत जल्द में वो ना हो के बाकी तो सारे लोग दिख सकते हैं। पॉइंट गाइस, तो एक्चुअली जब हम लाइव पे किसी ने उस बात के शायद अब हम मैंने जो बहुत जल्द हिंट इतना दे दिया है, तो किसी ने वो बोला भी था कि बहुत जल्द किसी को याद नहीं है कि बस बहुत जल्द कुछ होने वाला है। निशिता ने बोला था ये, तो शायद वही हो, यू नेवर नो। अब उसके साथ साथ प्लस वन एक और चीज हम ऐड ऑन कर देंगे, और वो क्या होगा वो एक्चुअली आपको नहीं पता है। देखा गाइस मुफ्त का पकड़ने का नतीजा, प्लस वन देख लो भाई, ऐसे मिलती है चीजें। प्लीज डूड, प्लीज छोटी लड़की, छोटी लड़की आज नानू बनी लड़की, उन्हें अच्छी लग रही हो तुम, छोटी बना के छोटी क्या गाइस ये देख। अच्छा गाइस ने बोला भी था कि क्या, किसी ने पूछा था कि क्या कभी नानू ने ऐसे कपड़े पहने लड़कियों वाले, नहीं लड़का नंगा बैठा लेटा पड़ा है वो अलग बात है, बाल है उसके पूरे बॉडी पे, उसने कल ही निकालूंगा इसके सारे बाल, कल ऑस्कर होगा टकला, ऑस्कर का मुंडा निकल पता नहीं कब हुआ, मेरा बोझ छोड़े मैं बच्चे छोड़े अंदर घुस के ऐसे करके सो जैसे सो रहा था, सो जाए। तो क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ कैसा लुक किया जाए। वल्ला 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 हबीबी कम टू वॉशरूम, आशिक तेरे चुप करके। गाइस ये लड़की को देखो कितने ध्यान से चूहा पकड़ रही है, हाय हाय ये रहा, रुक जाओ प्लीज, देखो ऐसे भाग रहा है, इधर से ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, ये जा रही है चूहे छुड़वाने के लिए, छोड़ने बेचारा, बारिश तो हो रही है बट छोड़ ही आप जा, छोड़ा ऐसे पकड़ के ले जाते हैं वैसे ऊपर से हैंडल से, मेरे को नहीं पता भैया मैं ऐसे ही पकड़ के लेके जाऊंगा भाई, चलो मैंने रास्ते में खोल दियो।
आज दिल चौड़ा है गाय आज कुछ नई बात क्योंकि मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ खास ओह माय गॉड राइम तो देखो इस लड़की के और वो है हम दोनों की मुलाकात पेश होगी आज की रात भाई साहब क्या बात ऐसे थोड़े इस लड़की को मैं राइटर बोलता हूँ आई प्राउड ऑफ मी अभी तुरंत खड़े दो पैर पे अभी वर्ड्स बनाने मैंने अभी ये बात तो सही है नो डाउट अभी बनाए इस लड़की ने तो शुरू करते हैं बिल्कुल ये कुछ उन दिनों की बात है किन दिनों की जब हम छोटे जब हम छोटे बच्चे थे जब मैं बचपन में छोटी थी अच्छा बचपन में तो छोटी भी थी मैं बचपन में छोटी थी ओह माय गॉड तब मैं ओशो की जैसी प्यारी लगती थी अच्छा अब तो कैसे लगती है अब मैं ओशो से कम प्यारी लगती हूँ क्योंकि ओशो ज्यादा प्यारा लगता है अच्छा ये बात भी सही है सो गाइस गाइस प्रेजेंटिंग अभी ज्यादा हम ज्यादा फोकस हो रहे होंगे तो हम ऐसे कर लेते हैं नहीं हम नहीं हो रहे थे हम दिख भी नहीं रहे थे प्रेजेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट जो अभी तक मतलब मेरे को पैसों वाले बहुत गिफ्ट दिए गए हैं पैसों वाले क्या होते हैं महंगे तो उनका एक अलग फीलिंग्स होती है उनके साथ अटैचमेंट और वैल्यू होती है उनकी बट ये जो है ये एक ऐसा है मोमेंट जब मैंने इसको देखा था तो मेरी आंखों में पानी आ गया था सच्ची हाँ एंड मुझे ऐसे एक्चुअली छोटी छोटी चीजें जो कोई करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो ये उनमें से एक है बहुत ही मेरे दिल के करीब हमेशा रहती है मेरी अलमारी में और ये सामने ही रहती है कहीं छुपी हुई नहीं रहती तो जब मैं अपने बुढ़ापे वाले घर में भी थी तो वहाँ पे भी मेरे बिल्कुल सामने ही रखी हुई थी मेरे कपड़ों के साथ और ये आज भी यहाँ रखी हुई है तो कब दिया किसने दिया कितना टाइम हो गया कुछ तो बताएं ये मुझे यही साल में मिली थी मेरे बर्थडे के पास लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे ये लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे मिली थी बर्थडे तो नहीं मिले थे पर एनीवे जब भी मिली ये देखियो इसको ये मुझे प्यारा सा गिफ्ट जो एक बुक जैसा दिख रहा है ये प्यारी सी डायरी मुझे नानो ने गिफ्ट करी थी अब इस डायरी में ऐसा खास क्या है तो मैं इतना जो बकबक कर रही हूँ ऐसा कुछ तो है ना भाई इसमें तो दिस इज नॉट अ डायरी पहली बात दिस इज नॉट ऑर्डिनरी डायरी इसमें आई गेस नानो ने अपना दिल रख दिया है कि हमारा जो रिश्ता है जो हमारा बॉन्ड है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्या क्या चीजें हुई हैं क्या क्या चीजें उससे मेरी अच्छी लगती हैं क्यों वो मेरे को इतना झेल लेती है तो इसमें कुछ लाइन ऐसी भी है जो मैं चाहता था कि ईवी बोले तो उसने को अपने आप से ही मैंने डाल दी ओके तो शायद जो मैंने अभी तक इसको नहीं बोली है बट वो लाइनें भी इसमें उसने डाल दी है कि एक छोटी सी हमारी वो बोलते हैं ना हमारी गृहस्थी वाला कहानी हमारी 7 साल की बॉन्डिंग हमारी 7 साल की कहानी तो वो है ये डायरी में इतनी सी डायरी में तो आओ आपको दिखाते हैं मैं ज्यादा पढ़ाऊंगी नहीं बट आप इधर से इस पे फोकस कर ले अभी हम दिखाएंगे बस माय रीजन व्हाई यू मीन द वर्ल्ड टू मी तो ये है नानू ये हूँ मैं इसने मुझे बहुत गंदा सा बनाया है अपने आप को बड़ा सुंदर बनाया है इसने पर मुझे अच्छा नहीं बनाया है इसने पर कोई बात नहीं मैं एज यूजुअल एवी शर्मा का काम है कंप्लेन करना तो मैंने कर दी सो इट्स अ स्टोरी अबाउट एवी एंड नानू आई रिमेम्बर मीटिंग यू हम 2018 में मिले थे किसी ने बोला था कि आप कब मिले थे हम 2018 में 18 में मिले थे 18 बोलती हूँ मैं तो हम स्टेयर्स में मिले थे फ्रॉम दैट मोमेंट आई न्यू आई हैड टू हैव यू इन माई लाइफ मतलब वो कुछ एक वाइब कनेक्ट हुआ था हमारा तब से हम दोनों साथ हैं हमने अपनी दिवाली साथ मनाई हमने बहुत सारी बातें करी आई कैन दिस बुक टू टेल यू रीजन व्हाई आई लव यू ओके मेरी ब्यूटीफुल स्माइल कहीं दिखा लो मेरी ब्यूटीफुल स्माइल इसको बहुत पसंद है ओके योर स्माइल इज अ परफेक्ट पिक्चर ओके पिक्चर परफेक्ट जो मेरे अभी होम स्क्रीन पे भी लगा रखी है वैसी वाली फोटो
आई लव यू स्पेंड लाइक टाइम, जो भी हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, कुछ ऐसा ऐसा हमने एक रील भी बनाई थी पहले मॉल पे वो भी, आई लव यू इवन वेन यू आर अपार्ट. ओके, तो क्या मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ तो हमारा कनेक्शन वो ऐसे खत्म नहीं होता, हम दोनों इतना कॉन्टेक्ट में रहते हैं. अगर ये बिजी होती है तो जब भी इसको टाइम मिलता है ये मुझे कॉल कर लेती है, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कॉल कर लेती हूँ. हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे ख्याल से अभी तक, भले ही मेरी लाइफ में कुछ भी हो लेकिन मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहला कॉल इसी को जाता है. आई लव दैट यू आर द ग्रेट कुक, नो डाउट. आई लव होल्डिंग योर हैंड फॉर श्योर. आई लव कार्डलिंग विद यू क्योंकि मैं बहुत पागल बंदियां करती हूँ और हम दोनों के साथ बहुत पागल बंदियां करते हैं. आई लव शॉपिंग विद यू, शॉपिंग विद यू नहीं होता, शॉपिंग फॉर यू होता है. और ये मेरी बैग उठाते हुए, आई लव एवरीवेयर लैंग्वेज. ओके, इन एवरी लैंग्वेज इट्स लाइक इन एवरी, हमारा ऐसा ड्रीम है दोनों का कि हम दोनों ट्रैवल करना. तीन लैंग्वेज में आई लव यू बोल जल्दी. आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ. मुझे ये हर चीज मिडल में क्या लगा था छोटू से, यू हैव सच अ क्यूट लिटिल लिटिल बिहाइंड मी एवी. कुछ भी खड़े खड़े मेरी आदत है वो हक करके खड़े हो जाना मम्मी को, तो अब एज हम अलग रहते हैं और मुझे आदत है ये बहुत ज्यादा, तो मैं ऑस्कर को बहुत हक करती हूँ बैठे बैठे. कुछ मेरे को चुल हो जाती है कभी कभी, मुझे चुल होती है बहुत प्यारी वाली चुल, मतलब जब मेरे को इसको हक करना होता है तो मैं कैसे खुश चाहती हूँ इसकी गोदी में. You are my favorite kind of eye candy. I love. We are two peas in a. Oh, meri beta. Nahi pade mama, nahi pade. Bol rahi hai main nahi hu. Ashu Ashu hai na? Ashu aayega abhi. Babu ye chhod de beta. Okay, two peas in a pod. Acha. Ye kisi ko samajh nahi aaya tha, but it's okay. Two peas in a pod hai guys hum. I love your messages. Mere messages bhi pasand hai isko. Your determination is so inspiring. That's so true. Tired. That's so true. क्योंकि मेरे ख्याल से मैं अब थोड़ा tiredness feel करने लगी हूँ. आज मैं ये office में बात कर रही थी कि मैं बहुत थकने लगी हूँ. वैसे मैं ऐसी लड़की हूँ जो super active रहती है, touch wood बहुत ज़्यादा active रहती है. लेकिन मैं कुछ time से बहुत tiring feel कर रही हूँ जो कि मैं नहीं हूँ. Okay, AB, you are a 5-star rating. Oh my God, rating भी दे दिया. I love everything about you. Yeah, everything. I love traveling with you. Though हमने बहुत कम लाइन पर, अब लाइन पर. I thought we are just going for the weekend. We are out of here. It's just for the weekend, so it's kind of a 2-3 days. But the bags will be more than 2-3 bags. Oh, yeah, because that's so true. For one day she need around 3-4 clothes. हाँ. So that will be we have. और बात ये है कि मैं surprisingly सारे कपड़े पहनती हूँ भाई, जितने मैं लेके जाती हूँ. मेरे पास लगता है मैं लाई हूँ तो मैं पहनूंगी. I love laughing with you. Though इसको मेरे जो jokes होते हैं, मतलब इसको उसमें फालतू चीजें नहीं समझ आती क्योंकि हंसती नहीं है. इसका sense of humor बहुत खराब है. अच्छा. हंस लेती मेरे साथ. I love when you gaze at me from across a room. देखो ये जो लाइन है ना मैंने खुद से लिख दी थी यहाँ पे. हाँ, क्योंकि खुद ही गेज कर रही है. नहीं, नानू वाली लाइन. नानू इज सो क्यूट. नहीं आऊ मैं तेको बोलती हूँ क्यूट कर कभी. OMG, your eyes. मेरी आईज को क्या हुआ है? Breaking news. Evie has beautiful eyes. Oh my God. So these are some of our photos. I love making memories with you. तो हमारे पास literally हमने जो निकलवा भी रखी है ना वो ऐसे गड्डी भरी फोटोज है. इसमें से कोई काम की नहीं है. अभी वो पुरानी हो गई है बट हमने जैसे पहले पुराने सबसे पहले वाले घर में हमने हार्ट शेप का वॉल पे मेरे हाईलाइट में आज भी है. हाँ, नानू की हाईलाइट मिल जाएगा आपको. तो हमने बहुत सारी ऐसी फोटोज वॉल पे लगाई थी और अभी लास्ट वाले घर में भी हमने फोटोज लगाए थे बट यहाँ पे अब हम छोटे छोटे फोटोज ना लगा के सोच रहे कि हम बड़ा वाला, उनको पता क्योंकि उनको बताया था क्योंकि बड़ा वाला फोटो मेरे को ये इसी रूम के वॉल पे लगाना है. I love that
बेस्ट यू आर सो चार्मिंग ओ माय गॉड मैंने अपनी लाइन खुद से लिख दी यू आर ब्यूटीफुल नानो यू आर हैंडसम ब्रो आई लव पार्टिंग विद यू हम पहले करते थे अब नहीं करते काफी टाइम हो गया आई लव दैट यू केयर अबाउट एनिमल्स अब मैं करने लगी हूँ पहले नहीं करती थी ओके ये भी गाइस अभी हुआ है मैं पहले एनिमल्स का केयर इतना नहीं करती थी मतलब मेरे को इतना प्यार नहीं था तो इसके लिए क्रेडिट गोज टू हमारे ऑस्कर एंड क्रेडिट गोज टू हर क्योंकि नानू के अंदर बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी सी चीजें हैं जो शायद उसको खुद को नहीं बताऊंगी लेकिन उनमें से एक है कि वो एनिमल्स का बहुत केयर करती है मतलब चाहे वो कैसा भी एनिमल हो हमें जैसे लड़कियों को पसंद नहीं होता कॉकरोचेस लिजर्ड्स छिपकली वगैरह पर उसको ऐसा लगता है कि उनको भगा दो अगर आपको घर में नहीं रखना उनको मारो मत तो वो केयरनेस आज जैसे आज मैंने पहली बार एक चूहे को क्यूट बोला है मतलब मैं शायद जिंदगी में कभी नहीं बोलती बट ये शायद वो चीजें उसकी तरफ से मेरे अंदर आई हैं तो ये उसका ग्रेट नानू को जाता है आई लव दैट यू आर द फर्स्ट पर्सन आई कॉल विद न्यूज दैट्स सो ट्रू दैट्स में जो भी कांड होते हैं ना पहले मुझे कॉल करके सुना देती है भाई आज ये हो गया तू भी यही करती है आई लव टॉकिंग ऑन द फोन विद यू इवी ये बात भी ठीक है हम लोग लंच का हमारा एक टाइम फिक्स है मेरे लंच जब होता है तो इसका लंच तो आगे पीछे चलता रहता है क्योंकि इसकी टाइमिंग नहीं है कुछ ऑफिस की तो मेरा लंच होता है 1:30 बजे तो उसके बाद का आधा घंटा एनी हाउ इसने मुझे देना है और एनी हाउ मुझे वो निकालना है कॉल पे बात करने के लिए आई लव हाउ सेफ यू मेक मी फील इवी ओ माई गॉड ये उल्टा है बाबू नहीं सीधा आई लव वॉचिंग एक्चुअली दोनों की तरफ से वो वाइस वर्सा है आई लव वॉचिंग मूवीज विद यू क्योंकि ये भी आदत इतनी डल आई है मुझे तो हम चाहे घटिया से घटिया मूवी हो चाहे बढ़िया से बढ़िया मूवी हो हम मूवी देखने जाते हैं एंड वी लव दैट चाहे वो मूवी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है लेकिन हम ना इंजॉय करते हैं वो मूवी फिर बाहर निकल गए वन टाइम वॉच तो थी चल कोई नहीं वो ऐसा लगता है हम तब भी ये नहीं बोलते कि यार पैसा वेस्ट है ऐसा कुछ नहीं है हमें एक बार तो चल देखनी ही थी देख ली I love how my how we balance each other. ये भी true है. Expression of the love means everything. मेरे हर जगह first comment होता है. ये बात तो सच है. You are the most wonderful human I have ever known. Okay. So, ये क्या? So to sum it all up. I am so lucky to have you as a partner, Evie. सो वी बोथ एक्चुअली सो लकी कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में हैं मतलब मैं तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही लकी हूँ इस चीज़ में कि लोग बोलते हैं कि नानू जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है एंड दैट इज सो ट्रू कि नानू जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है बस हो गया हैशटैग लॉयल्टी किसी ने लिखा था मैंने आज क्वेश्चंस में देखा तो गाइस सीरियसली लॉयल्टी का दूसरा मतलब हम नानू को दे सकते हैं दादा हो गया मैडम सो सॉरी We love you. I love you. I love you too. I love you. और शुभम मियो वो हम पर्सनल चीजें हैं वो मैं आपको नहीं पढ़वाऊंगी Now coming back to our photos and this ये इसने मुझे उठाया था मेरे ऑफिस से ये कुछ प्यारी प्यारी सी मेमोरीज हैं तो इसने मुझे ऑफिस से उठाया था मेरे ऑफिस के आगे ताज होटल था द बिग ताज होटल क्यों लेके गई थी मुझे पता है कॉफी डेट पे मैं बोल रहा कि मैं ये घटिया कपड़ों में कॉफी डेट पे ताज पे कौन लेके आता है उसने कहा नहीं चल चलते हैं और हम यहाँ आ गए थे अनएक्सपेक्टेडली होटल ये वन ऑफ द क्यूटेस्ट पिक्चर है हमें पसंद है दोनों को क्योंकि हम दोनों अच्छे लग रहे हैं इसमें एंड ये हमारी इंडियन आउटफिट में सबसे प्यारी फोटो है मतलब इंडियन आउटफिट और भी है तो ये और एक और जो कुछ फोटो है वो हमें बहुत पसंद है और ये तो कौन ही भूल सकता है इट्स अ परफेक्ट फैमिली पिक्चर एंड हियर इट एंड्स सो अभी तक ये नहीं दिखाया गया था आई गेस आपने पुराने व्लॉग्स में ही देखा होगा कि इतना दिखाया मैंने कि मुझे मिला है कुछ बट ये मैंने खोल के नहीं दिखाया था तो आज कुछ स्पेशल दिखाने का मन था मुझे आपसे कुछ स्पेशल रूबरू बातें करने का मन था तो ये मैंने आपको दिखा दिया अब आप क्या कहना चाहते हैं इस पर तो आप कमेंट में बताएं इस बहुत टाइम से बिहाइंड द सीन बैठ के कमेंट्री पास हो रही थी तो मैंने सोचा अब जरा अच्छा तू भी आ जा तू भी है मेरी बेटा सोचा बिहाइंड द सीन से थोड़ा फ्रंट द सीन आ जाए तो गाइस एक्चुअली इसमें जो भी चीजें हैं इट्स ये आपने इसकी साइड की तो सुन ली कि हाँ भाई ये ऐसी है ये ऐसी है इसने ये किया बट पॉइंट यहाँ पे ना एक चीज होती है कि चीजें
कभी एक साइड से नहीं होती एज यू ऑलवेज से बचपन से एक लाइन सुनते हुए आए होंगे ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, बजा के दिखा एक हाथ से चमाट कहता हूँ उसे तो एग्जैक्टली ताली एक हाथ से नहीं बजती, चीजें हमेशा दोनों साइड से होती हैं, बीच में कुछ चीजें होती हैं उस चीज को इग्नोर करना पड़ता है, हर चीज हर साइड से दो चीजें होती है बोल दो, मैंने भी बहुत सारी हरकतें की हैं, इसने भी की हैं, बोल दो कि इसकी सामने आ गई, मेरी कभी सामने नहीं आई, मेरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी आपको दिखी भी नहीं होंगी क्योंकि वो दिखाई नहीं, या हो सकता है उस टाइम ने शूट ही नहीं किया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सबको शॉर्ट में निपटाते हुए ये एक ऐसी डायरी है, ये एक्चुअली हमारे दिल की बात बोलो, आई मीन मैंने जो बनाई थी उस टाइम पे, अलग अलग ये सारे वर्ड्स मेरे हैं जो लिखे थे वो भी, एंड देखा जाए तो पूरा मतलब जिस टाइम पे मिले थे हम टिल नाउ अभी तक के लिए बोल सकते हो, और वो आगे भी चलती रहेगी, कंटिन्यू रहती रहेगी, और इसमें भी ऐसी इसमें से कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होने वाली, वो वैसी रहेंगी, और अगर चेंज की तो इसकी क्या थी गुत्थी में मार के इसको वापस ले आएंगे, वो गुद्दी होता है, गुद्दी में मार के इसको वापस ले आएंगे, तो गाइस ऐसी चीजें हम चेंज नहीं होने देंगे, बिल्कुल ठीक है, तो बताना जरूर कि कैसा लगा, एंड ऐसे छोटे छोटे जेस्चर आपको भी करने चाहिए अपने लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगता है, देखा स्माइल जो फेस पे आती है ना वो देख के अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ये तो अभी चलो आपने देख लिया ना, जिस डे वन में इसको हाथ में दी थी ना, एंड जैसे इसने पढ़ी थी है, वो रिएक्शन जो था ना वो एक एपिक था, मतलब मुझे लगा नहीं था कि इसको ऐसी चीजें पसंद है, बिकॉज एक टाइम था जब इसने मेरे को, मैंने इससे क्वेश्चन किया था तुझे ऐसे हैंडमेड या फिर ऐसे कोई चीजें पसंद है, इसके रिएक्शन नहीं मुझे उतना कुछ खास नहीं पसंद, तो मैंने बोला ठीक है, उसके बाद से मैंने भी ट्राई नहीं किया, बट एक बार मुझे लगा कि ये कुछ डिफरेंट है जो मैं कर सकती हूँ, ऐसे मैंने भी ये हरकत कभी की नहीं है, मुझे ऐसा कोई भी हरकत करने का शौक नहीं है, मैंने दूसरों से करवाई जरूर है बट खुद से नहीं किया, तो ये एक ऐसी चीज थी जो मैंने खुद से की थी, एंड इसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला था तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस यही मुस्कुराहट के साथ, नहीं यही मुस्कुराहट के साथ आज हंसता खेलता करते हैं वाला ब्लॉग, एंड आप भी हंसते रहिए और अपने पार्टनर या फिर अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने मॉम, अपने डैड के लिए कुछ ऐसा स्पेशल प्लान करें जिससे वो उनको लगे कि हाँ भाई यू केयर अबाउट देम यार, और उनको वो प्यारा सा जेस्चर दे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनके फेस की स्माइल आपका दिन बना देगी। ओके तो यहाँ पे करते हैं वाला ब्लॉग, एंड आपको करना लाइक कमेंट शेयर, आपको करना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक, टाटा बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स, गीजी गीजी गो से आई लव यू, बाय टूडल्स, टिंग।